बिग बॉस 14 की चर्चा अब चरम पर पहुंच गया है और हर दिन बिग बॉस 14 को लेकर नई नई खबरें सुनने में आ रही है। अब तक सुनने में आया कि बिग बॉस 14 के नियमों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां प्रतिभागियों की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को देखते हुए उनका एलिमिनेशन किया जाएगा और किसी भी प्रतिभागी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शो से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और अब शो में आने वाले प्रतिभागियों को लेकर एक नई खबर आई है कि शो में एंट्री से पहले इन सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन पीरियड में रखा जाएगा। बिग बॉस की तरफ से ही बेहतरीन आइसोलेशन सेंटर के इंतजाम किए जाएंगे, जहां सभी प्रतिभागियों के हेल्थ पर 14 दिनों तक निगरानी रखी जाएगी और सूत्रों के मुताबिक 23 अगस्त से प्रतिभागियों को बिग बॉस के अंडर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इस तरह से बिग बॉस के मेकर्स को इस बार शो को लेकर कई सावधानियां बरतनी पड़ रही है। वहीं बिग बॉस 14 के रिलीज टीजर और प्रोमोज भी अभी सुर्खियों में बने हुए हैं, जहां सलमान खान ये कहते दिख रहे हैं कि अब सीन पलटेगा क्योंकि बिग बॉस देगा 2020 को जवाब। वेल शो के प्रतिभागियों को लेकर भी फैंस में काफी उत्साह बना हुआ है और सभी जल्द से जल्द बिग बॉस 14 के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान एक बार फिर छोटे पर्दे पर अपने पसंदीदा शो के साथ कमबैक करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही महीनों बाद टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस 14 शुरू होने वाला है। सूत्रों की माने तो इस साल सितंबर के महीने में बिग बॉस 14 को ऑन एयर करने की तैयारी चल रही है और 3 पॉपुलर सेलेब्स के बिग बॉस 14 से जुड़ने की खबरें तेजी से उड़ रही है। सबसे पहले बिग बॉस 14 से सलमान खान की रजामंदी के बाद ही इस शो के आगे के काम को शुरू किए गए और सूत्रों की माने तो एक्टर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन, नागिन फेम निया शर्मा और टीवी के पॉपुलर एक्टर विवियान डिसेना के बिग बॉस से जुड़ने की कंफर्मेशन मिल गई है और ये तीनों सेलेब्स का पिछले वक्त में चर्चित विवाद भी हो चुका है, जिस कारण शो में इन सेलेब्स के प्रति दर्शकों की दिलचस्पी बन सकती है। वेल बिग बॉस 13 अब तक का सबसे लंबा और सबसे मनोरंजक सीजन रहा है, ऐसे में बिग बॉस 14 को लेकर मेकर्स और दर्शकों की उम्मीदें कई गुना बढ़ गए हैं। बिग बॉस 13 के विनर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अभी कई कारणों से सुर्खियों में बने हुए हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ हाल ही में रिलीज हुई म्यूजिक वीडियो दिल को करार आया के कारण लाइमलाइट में बने हुए थे, जहां एक्ट्रेस नेहा शर्मा के साथ सिद्धार्थ के रोमांटिक अंदाज देखने को मिले, तो वहीं शहनाज गिल के साथ अपने इंस्टा लाइव चैट के कारण भी सिद्धार्थ चर्चा में बने हुए थे। इस लाइव सेशन के दौरान शहनाज और सिद्धार्थ की मस्तियाँ और प्यार भरे नोकझोंक नजर आए और अब सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने फैंस के लिए एक एडवाइस नोट लिखा है, जहां उन्होंने कम शब्दों में जिंदगी को बेहतर बनाने की सलाह अपने फैंस को दिया है। सिद्धार्थ ने लिखा है, किसी भी काम में अपना बेस्ट देने से अच्छा है कि आप खुद ही बेस्ट बन जाएं। अपने संदेह को खत्म करने के बाद सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। वेल सिद्धार्थ के इस तरह की बातों को उनके फैंस बहुत पसंद करते हैं, इसलिए सिद्धार्थ हमेशा ट्रेंड में बने रहते हैं।